ये हमने आलू लिए, इसको छीलेंगे, उसके बाद धोएंगे। ये आलू हमने छील लिए, अभी इसको मैं इस पानी में धो के और धोएंगे, फिर इनको आलू को पोंछ के उसके बाद इसके फिंगर काट। ये रुमाल ले लिया हमने सूती, इस तरह से इसको हम पोंछ लेंगे अच्छे से, फिर इसके हम पीस काट। ये हमने आलू काट लिए, एक आलू में चार पीस किए हैं। अब इसके महीन महीन पीस काटेंगे, ज़्यादा महीन भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से मैंने ये काट के रख लिए, ये देख लिए, देखिए इस तरह से काटेंगे हम और बहुत जल्दी फिंगर बन जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। बाहर से लेके आते हैं, पता नहीं कैसा कैसा तेल यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और घर में हम बड़े भी खाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, इसलिए घर में बना लें और बीमारियों से भी बचेंगे और स्वादिष्ट अच्छे भी बनेंगे साफ़ सुथरे। ये देखिए हमने फिंगर ये काट लिए, जो आलू हमने छील के धो के पोंछ के रखे थे ये हमने काट के रख लिए। ये मैंने दो जगह अरारोट ले कर रखा है, एक ये एक ये, एक वाइट कलर के बनाएंगे और एक कलर वाला, तो इसमें हमने एक कलर डाल दिया, जो खाने वाला कलर होता ना फूड कलर, वो डाल दिया। अब देखिए ये है, इस पे मिला देंगे और ये कलर इसी में मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये थोड़े से कलर के बना के आपको दिखाएंगे, इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला के रख देंगे हम। और ये है वाइट वाला, ये वाला कलर हमने यूज किया है इसमें। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से इस पे ऊपर लग गया। और भी और इसको रख देंगे 10 मिनट, इसमें और अच्छा कलर आएगा इस तरह से। ये देखिए फिर इसको करेंगे फ्राई, दो बार में फ्राई करेंगे, एक बार हल्का फ्राई करेंगे फिर निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद, दूसरी बार फ्राई करेंगे उसके बाद ये कुरकुरा बनेगा। ये है वाइट वाला, इसको भी हमने अरारोट में लगा के रख दिया। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से लगा लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लगा के, और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए तो रखो। थोड़ा सा ये वाइट नमक डाल दिया, ये देखिए अब ये नमक डाल दिया तो इसमें और पानी छूटेगा तो इसमें और अच्छा कलर आएगा, ये ऑरेंज ऑरेंज। अब इसको रख देंगे ना, देखिए तेल हमारा गरम हो गया और इसमें हम डाल देंगे ये वाइट वाले, इसमें हमने कलर नहीं डाला था। अब इसको तेज आंच में फ्राई होने देंगे, अभी पहले तेज आंच रखेंगे उसके बाद स्लो कर देंगे इसको। ये देखिए इसमें हमने नमक डाला था इसलिए इसमें पानी सा ज़्यादा छूटा। अब इसमें हम डाल देंगे वाइट वाली तिल, इसमें तिल चिपक जाएगा अच्छे से, क्योंकि नमक डाला ना इसलिए इसमें पानी छूट रहा आलू से, और इसमें मैंने पानी नहीं डाला तो इसमें जैसे तिल वगैरह डालेंगे तो नहीं चिपकेगा, नमक नहीं डाला, पानी किसी में भी नहीं पड़ा है और इसमें हमने नमक नहीं डाला तो इसमें पानी छूट नहीं रहा है। ये देखिए चिपका हुआ है अरारोट अच्छे से, इसमें नमक डाल दिया तो इसमें ये तिल है ये भी अच्छे से चिपक जाएंगे। आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाना, मैंने दोनों तरह से बनाए। ये देख लिए हमने, ये निकाल लिए इसको, ये अभी आधे ही पके हुए हैं, दोबारा इसको फिर डालेंगे ठंडा होने के बाद। ये अभी हमने ये तिल वाले डाल दिए, ये देखिए हमारे ये तिल वाले भी तैयार हुए, इसको भी देखिए ये तिल वाले, इस पे तिल दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इस पे चिपके हुए तिल आएंगे, अगर तिल डालेंगे हल्का नमक डालेंगे तो इस तरह से बनेंगे। अब ये वाले हमने ये देखिए ये बिना तिल वाले ऑरेंज कलर के, ये देखिए इसको भी हम निकाल लेंगे, ये हमने ये भी निकाल लिया इसको, ये देखिए अब हमारे ये तीन तरह से तैयार हो गए, ये तिल वाले हैं, ये वाइट है और ये ऑरेंज।
हाँ तो ये भी ऑरेंज, पर इसमें तिल पड़े हुए हैं और नमक भी पड़ा हुआ है। अब इसको अभी दोबारा सेकना पड़ेगा। एक बार फ्राई कर दिए तो अभी इसको दोबारा डाल दिया, ये थोड़े ठंडे हो गए, अब ये कुरकुरे हो जाए। ये देखिए हमारे अभी कुरकुरे हो जाएंगे, फिर चाय के साथ, सॉस के साथ, या खट्टी चटनी के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो इसके साथ खा सकते हैं। ये देखिए ये कुरकुरे हो चुके हैं, अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए हमारे एकदम कुरकुरे बने हुए, ये देखिए कुरकुरा बना हुआ है एकदम, देखिए। ये देखिए हमारे ये तिल वाले, ये भी कुरकुरे हो गए, और ये वाले वाइट, इसमें नमक डाला था और तिल डाले थे, और इनमें खाली अब इसमें हम डाल देंगे ये चाट मसाला और ये काला नमक, इस पे भी डाल देंगे। अब ये चाय और ये सॉस के साथ किसी भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे इसको खा सकते हैं। ये देखिए हमारे ये सारे सब कुछ तैयार हो गया। ये देखिए चाय भी बना ली, सॉस भी रख लिया, हमारे फिंगर तैयार हैं। ये हैं सफ़ेद वाले, ये हैं ऑरेंज वाले, और ये हैं तिल के साथ वाले। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।